हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। छोटा सा रूल है, टू बी प्लस टू, मतलब ऐसे रूल्स जिन रूल्स में हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज, आर, एम, वाज, वर, इनके जस्ट आफ्टर तुरंत बाद में टू लगाते हैं, वो कुछ रूल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है यूज ऑफ इज टू, आर टू, एम टू, बाज टू, बर टू। नोट लिखा है टू बी प्लस टू, मतलब टू बी का मतलब होता है इज, आर, एम, बाज, बर का प्रयोग। इसका प्रयोग कब करते हैं? कह रहे हैं इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी सेंटेंस के अंत में ना, नी, ने आदि लेटर्स आए। मतलब ना, नी, ने ऐसे लेटर्स आते हैं तब प्रयोग करते हैं। टू बी तो ये सब जानते ही हैं। लिखा है टू बी का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर। तो इसका नोट देखते हैं। लिखा है इन सेंटेंसेस में कोई इरादा दर्शाया जाता है, मतलब अगर किसी सेंटेंस में कोई इरादा शो होता हो तब प्रयोग करते हैं इज, आर, एम, वाज, वर के बाद टू का। और टू एक होता है इन्फिनेटिव। जैसे कि लिखा है मुझे जाना है तो क्या बनेगा, आई एम टू गो। मुझे की आई आ गई, आई के साथ आता है एम, इसके जस्ट बाद आ गया टू गो। और वैसे भी अगर किसी वर्ब के लास्ट में ना, नी, ने ये आता है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं, तो आई एम टू गो। इसे ये भी आता होगा समझ में आपके कि ये ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें इसमें डिफरेंस ये है, मैं जाना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं ये होता है कि परमिशन मांग रहा है, लेकिन इसमें साफ उसका इरादा है कि मुझे जाना है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे किताब पढ़ना है। तो उसे की ही, सी, कुछ भी हो सकती है। इज टू रीड अ बुक मतलब उसे किताब पढ़ना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों को मैच खेलना है। बच्चों की होती है द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ आर, टू प्ले द मैच, बच्चों को मैच खेलना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमें खाना खाना था। हमें की होती है बी, बी के साथ बर, टू ईट द फूड, हमें खाना खाना था। तो ये था एक रूल, छोटा सा रूल है कि मुझे जाना था या पढ़ना था, कुछ भी सही, ये रूल था छोटा सा। ये इसी तरह से बनेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा दी प्लस टू, और टू के बाद जब भी आती है तो आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट रूल है, छोटा सा ये रूल है यूज ऑफ लेस्ट। यूज ऑफ लेस्ट, लेस्ट कह रहे हैं लेस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो दिया हो, मतलब लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, इसके सब्जेक्ट के बाद शुड लगाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ से मतलब ये है जब भी सेंटेंस में दिया होता है लेस्ट तो इसके बाद सब्जेक्ट कोई सा भी हो आफ्टर सब्जेक्ट लगाते शुड है। जैसा कि लिखा है कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। कठिन परिश्रम करो ये होता है इम्परेटिव सेंटेंस, तो ये बन गया वर्क हार्ड। कहीं ऐसा ना हो इसकी होती है लेस्ट, और कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ मतलब तुम फेल हो जाओ, यू उसमें छिपा हुआ है यू, और शुड फेल मतलब अगर यहाँ पर लेस्ट है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आई है, यू है, सी है, दे है, बी है, चिल्ड्रन है, क्या कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लेस्ट है तो यहाँ शुड आना ही आना है, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। एक एग्जाम्पल और है संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो ठोकर लग जाए। तो संभल कर चलो, चलना की होती है वाक, और संभल कर मतलब सावधानी के साथ, केयरफुली, वाक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो इसकी होती है लेस्ट, और यू तो छिपा हुआ होता है लगा दिया यू, और शुड स्टम्बल मीन्स ठोकर लगना। वाक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल मतलब सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ये नहीं आप मैंने यू लगा दिया, यहाँ पर अगर दिया होता बे, दे होता तब भी शुड आता, मतलब यहाँ पर लेस्ट है तो यहाँ तो शुड आएगा ही आएगा। तो संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो ठोकर लग जाए, वाक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। तो ये थे दो रूल्स, छोटे से रूल्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।